तो यार क्या हाल चाल आप सभी के। अरे यार हंसते रहा करो, सबसे पहले देखो इस शादी को। अबे दूल्हे की दाढ़ी तो आने देते, कोई तो यार मुझे कोबरे सांप का जहर ला कर दे दो यार। मुझे नहीं जीना यार, मुझे टपकना है। देखो यार इन बच्चों की शादी हो रही है और यहाँ पर देखो यार जिंदगी बंजर बनी पड़ी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे कोई बात नहीं मित्रों, हिम्मत रखो यार, हिम्मत रखो, आपकी भी जल्द होगी यार। अगर फिर भी नहीं होती तो जाओ यार पिंकी को पटा लो। और यहाँ पर देखो इस भागती हुई दुल्हन को, मुझे लगता है कि सीधा मंडप से ही उठकर भागी है। मुझे तो लगता है कि यार इसको अपने शोना मोना के पास जाना होगा और उससे ही शादी करनी होगी। और देखो यार कितनी जल्दबाजी में है, बोलती होगी कि हाय मेरा दूल्हा, हाय मेरा दूल्हा, और भाई भाग रही है अपने होने वाले दूल्हे की तरफ। और जिसको छोड़कर आई है उसके तो भाई वहीं पर सपने चकनाचूर हो गई होंगी। मारो, मारो मुझे, सब लोग और मारो। और यहाँ पर देखो ये दूल्हा बहुत संस्कारी था, यानी झुक गई है ये जमी, झुक गया है आसमां। तो दूल्हे ने सोचा कि मैं अभी कौन सा पीछे रहने वाला हूँ। फिर क्या था, दूल्हा भी झुक गया। अब ये तो शादी का टाइम पर ही घुटनों पर आ गया, बाद में क्या होगा आप सोच ही सकते हो। और यहाँ पर देखो इस साली ने दूल्हे के जूते चुरा लिए हैं। यार दूल्हे की साली यार गाली नहीं दे रहा, मतलब कि साली को साली ही बोलूंगा। गजब तू भी बाज आदमी हो। और देखो यार जूते चुरा कर क्या बोल रही है, गाना सुना रही है। यार सुनो आप, अगर आपको भी ऐसी साली आधी घर वाली चाहिए तो यार नीचे कमेंट करके बताओ। मुझे पता है कि आपके पेट में लड्डुओं का पूरा डिब्बा ही फूट चुका है। ये रहा नहीं जाता। अबे पहले घर वाली तो ढूंढ लो, साली बाद में ढूंढना। और यहाँ पर देखो सभी लोगों को गेट पर रोक रखा था, और जैसे ही लोगों को छोड़ा देखो यार कैसे कैसे खाने पर टूट पड़े। लगता है कि लोग 3-4 दिन पहले से ही खाना खाना बंद कर देते हैं, बोलते होंगे कि साला शादी में खाएंगे, शादी में खाएंगे। और यहाँ पर देखो यह दुल्हन अपनी शादी में धक्के खा रही है, मतलब कि शायद इसको चक्कर वक्कर आ रहे होंगे, लहंगा ही बहुत भारी पहना होगा। वो तो ठीक हुआ कि टाइम रहते दूल्हे ने संभाल लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। हो सकता है कि इसको बहुत खुशी हो रही हो कि हाय मेरा दूल्हा, हाय मेरा दूल्हा, फिर था आ गया चक्कर। तो चलो यार अब आपको एक जादू दिखाता हूँ यार, दिल मजबूत करके देखना। यहाँ पर देखो इस दुल्हन को अभी तक पेंट वेट नहीं हुआ, और यहाँ पर देखो यार क्या से क्या हो गया, यार क्या हो गया यार। इसे बोलते हैं यार मेकअप का कमाल। पहले होता था कि लोगों की आंखों को धोखा देते थे और जादू करते थे, और तो यार दूल्हे को धोखा देते हैं और मेकअप करते हैं यार। देश बदल रहा है। और यहाँ पर देखो चुनरी लेकर दूल्हा और दुल्हन के ऊपर खड़े थे, और यार आराम से शादी हो रही थी, लेकिन तभी एक बंदा चुनरी को खींच देता है। फिर क्या था, हो गया भाई वहीं पर तारा रारा। और यहाँ पर देखो यह दुल्हन इन क्लीरों से बहुत परेशान है, जो कि भाई बड़े बड़े हाथों में पहनते हैं। देखो यार क्या बोल रही है, पर पहनने पड़ेंगे आज के लिए। क्या करूँ, ये मेरा लहंगा खराब कर रहे हैं, I don't like it. क्या सोच है रे तेरी। अबे यहाँ पर तुमसे ये कलेरे ही नहीं उठाए जा रहे, वहाँ पर दूल्हे को क्या संभालेगी। लेकिन नहीं यार मुझे लगता है कि संभालेगी, दुल्हन बहुत बलशाली लग रही है। और यहाँ पर देखो जैसे ही दूल्हा चढ़ा घोड़ी के ऊपर, घोड़ी को आ गया गुस्सा, बोलती होगी कि अबे क्यों चढ़ रहा है। और देखो यार देखो शायद भाई घोड़ी जल रही होगी, क्योंकि यार घोड़ी की शादी नहीं हुई होगी। वो बोलती होगी कि मेरी नहीं हुई और तुम्हारी कैसे हो सकती है। इसलिए मित्रों आप बिल्कुल ध्यान रखना, आप उसी घोड़ी पर चढ़ना जिसकी शादी हो चुकी हो, और भाई वो शादीशुदा लाइफ से बिल्कुल खुश हो। और यहाँ पर देखो यार धूमधाम से शादी हो रही थी, हर तरफ खुशियों का माहौल था। फिर क्या था, दुल्हन दूल्हा एक दूसरे को माला डाल रहे थे, और यार आराम से एक दूसरे को माला डाल भी दी, लेकिन तभी यार दूल्हे का कच्छा खुल जाता है, यानी कि पजामा नीचे आ जाता है, और तभी यार हर तरफ लाला लाला हो गई यार, लाला लाला। पहले तो यार दूल्हे को कुछ पता ही नहीं चला, और काफी देर के बाद दूल्हे को लगा कि यार कुछ महसूस नहीं हो रहा, और तभी यार नीचे देखा, मतलब कि कच्छा, तो मतलब कि कच्छा नहीं यार पजामा नीचे आ चुका था। इसलिए मित्रों आप अपनी शादी में बिल्कुल कच्छे टाइट करके जाना। तो चलो यार हंसते रहा करो, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ो यार, कब उखाड़ोगे, है ना। मिलते हैं नई वीडियो।